सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज अमनेस एंड यू वाचिंग योर फेवरेट चैनल द UP46 राइडर। तो भाई लेके आ चुके हैं पल्सर N125, नया वाला मॉडल, नई वाली पल्सर, और बगल में उसके हीरो एक्सट्रीम। भाई बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी, मैंने दो रेस डाली थी, एक साइन के साथ डाली थी, एक रेडर के साथ डाली थी। तो बहुत लोग मतलब कमेंट कर रहे थे कि भैया एक्सट्रीम के साथ लेके आओ, एक्सट्रीम के साथ लेके आओ। तो भाई लेके आ चुके हैं एक्सट्रीम 125 वर्सेस पल्सर N125। इन दोनों के करने वाले हैं ड्रैग रेस, और ड्रैग रेस करने से पहले दोनों के स्पेक्स के बारे में बात कर लें। तो आपको यहाँ पे पल्सर N125 में 125 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जो कि आपको पावर देता है भाई 12 पीएस का, एंड टॉर्क की बात करें तो 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देता है। बात करेंगे एक्सट्रीम के इंजन की, तो यहाँ पे भी आपको 124.7 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जो कि आपको भाई पावर देता है 11.55 पीएस का, एंड टॉर्क की बात करें तो 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देता है। तो भाई पावर भी थोड़ा सा कम देता है और टॉर्क भी थोड़ा सा कम जनरेट करती है हीरो की एक्सट्रीम। और अगर दोनों के प्राइस की बात करें तो हीरो की एक्सट्रीम आपको मिलने वाली 1,03,000 की एक्स शोरूम, और वही पल्सर N125 की बात करें तो ये आपको एक शोरूम में पड़ने वाली 98,707 रुपीज़ की। और अगर आप लखनऊ से देख रहे हो, आपको लेना है पल्सर N125, तो आप जा सकते हो SRM बजाज लेखराज मेट्रो स्टेशन के नीचे, आप वहाँ पर जाके इसकी टेस्ट ड्राइव ले सकते हो, इजली बुक करा सकते हो एंड खरीद सकते हो। तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, ले चलेंगे आपको सीधा ड्रैग रेस पर, दिखाते हैं कि क्या क्या रिजल्ट निकल के आता है। एक बार अगर कंपेयर करें तो भाई आपको यहाँ पे देखो डिस्क ब्रेक फ्रंट में मिल जाती है, यहाँ पे भी आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाती है, बट N125 में आपको ABS नहीं मिलता, एक्सट्रीम में आपको ABS मिल जाता है, सिंगल चैनल ABS। वहाँ पे आपको CVC ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। पीछे दोनों गाड़ियों में डिस्क ब्रेक नहीं, पीछे दोनों गाड़ियों में ड्रम ब्रेक आता है। स्प्लिट सीट दोनों गाड़ियों में आते हैं, दोनों में डिजिटल मीटर आता है, यहाँ पे भी डिजिटल मीटर आता है एंड यहाँ पे भी डिजिटल मीटर आता है। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को मिलता है, N125 में आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता है। और जैसा कि भाई पहली वीडियो में मुझे पता था कि इसमें वो नहीं होता चार्जिंग पॉइंट, मैंने बोल दिया था कि नहीं था, तो मैंने एक एक लोगों को कमेंट पढ़ा तो भाई यहाँ पे इसमें आपको चार्जिंग पॉइंट भी देखने को मिल जाता है हैंडल के नीचे, मुझे बताया भाई हमारे व्यूवर्स ने। और एक्सट्रीम में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है N125 में। तो चलेंगे, स्टार्ट करेंगे हम इस रेस को, और मैं चलाने वाला हूँ पहले N125। सो लेट्स स्टार्ट द रेस गाइस। यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता गियर पोजिशन इंडिकेटर। चले रेडी, और भाई N125 निकल गई आगे, N125 निकल चुकी है, अभी तक एक्सट्रीम नहीं निकल पाई, बगल बगल में चल रही है। एकदम दोनों अगल बगल चल रही है भाई, और देखिए एक्सट्रीम आपके आगे निकलते हुए, लास्ट गियर मैंने लगा लिया भाई, और स्ट्रीम अब एक्सट्रीम निकल रही है आगे, अब मैंने टॉप गियर लगा दिया, और एक्सट्रीम को यहाँ बीट करते हुए भाई, एक्सट्रीम को मैंने बीट कर दिया यहाँ पे, एक्सट्रीम को बीट कर दिया है। उसका नया इंजन है, नई बाइक है, रिसेंटली लॉन्च हुई है भाई, अभी एक हफ्ते में नहीं हुई, और देखो आगे निकल गई भाई, और कब तक ये भी देखना है भाई। गाड़ी अभी जा रही है 111 112, अब
अभी तक एक ट्रेन नहीं निकल पाई है। स्लिप स्ट्रीमिंग का ट्राई करते हैं भाई, 113 गई है अभी। और अगेन स्ट्रीम आपकी आगे निकलते हुए। अभी तक भी नहीं निकल पाई एक स्ट्रीम। अब आ गई बगल में, बहुत खराब टक्कर है भाई। धीरे धीरे निकल रही है N125 फिर आगे, फिर से आगे हो गए N125। और लग रहा है कि विजेता स्ट्रीम ही रहेगी, एकदम बगल में लगी है, देख रहे हो गाइस। अरे यार क्या चल रहा है, ये कभी ये आगे कभी वो पीछे, फिर आगे निकल गई भाई पल्सर। भाई तगड़ी रेस चल रही है, मन मजा आ रहा है रेस करने में। N125 भाई आगे हो गई फिर से, अभी भी स्ट्रीम नहीं निकल पाई है। तो भाई फर्स्ट रेस की जो आपकी विनर थी वो थी आपकी पल्सर N125। कितनी गई थी? 115 गई थी। बताओ 111 112 चल रही थी तब भी आगे नहीं निकल रहे थे। अब हम राइडर स्विच करने वाले हैं, मैं चलाने वाला एक्सट्रीम और आरके चलाने वाला है भाई आपका पल्सर N125। और हम लोग के बेट में भी आरके का बेट कम था, उसके बाद भी एक्सट्रीम पीछे थी। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। चले निकल गई आरके की बेट के साथ बहुत तेज। देखो मेरा बेट आरके से ज्यादा था तब भी वो निकल गई थी, और मेरा बेट तो आरके से, आरके का बेट मेरे से कम है, तब देखो कितना गैप मेंटेन कर ली है। भाई आपकी पल्सर N125 आगे निकल गई है भाई, और स्ट्रीम को शायद ही अब आगे निकलने दें। और यहाँ पे देखो आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है, बट आपको N125 में गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं मिलता है। ये गाड़ी आपकी चली जा रही है 114, 115, 116, देखते हैं कितना आगे रहती है भाई ये। क्या स्ट्रीम 125 इसको बीट कर पाएगी? एकदम बगल में लगी है गाइस, 111। देखो अभी तक तो बीट नहीं, 115, 113, 114। N125 देखो आगे निकलती चली जा रही भाई, नहीं कर पाई है अभी तक भी, नहीं कर पाई है भाई। और
और मुझे लग भी नहीं रहा है कि बीट कर पाएगी। सो ओवरऑल दोनों रेस की जो टॉप एंड विनर थी भाई N125 थी, इनिशियल में भी निकल जा रही थी और टॉप एंड में भी निकल जा रही है। स्लिप स्ट्रीम करने के बाद आ रहे हैं बगल में लगने के बाद फिर निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये थी आपकी फाइनल रेस और भाई ये फास्ट है गाड़ी, हाँ। तो ये थी आपकी फाइनल रेस और आई होप सो वीडियो आप लोगों को पसंद है। वीडियो पसंद है तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नीचे अपना भाई सोशल मीडिया हैंडल आ रहा है इंस्टाग्राम का, वहाँ पे जल्दी जाओ फॉलो कर लो और सारी अपडेट वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी भाई। वहाँ फॉलो कर लो, सारी अपडेट अच्छी अच्छी रील मिलेगी। इसी के साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, राइड सेफ राइड हार्ड।